हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग, होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज आज आपका वापस से स्वागत है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो आज हम ट्राई करने वाले कुछ मिथ्स। तो गाइज आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो यार, क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और हम एक अजीब गरीब जो भी जैसे भी फैक्ट्स रहते गाइज, मतलब मिथ्स रहते हैं, उनको ट्राई करने वाले हैं गाइज माइनक्राफ्ट के। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइज क्या कर रहे हो यार, जाके फॉलो करो। और गाइज अगर आपको किसी मॉड वॉड का लिंक चाहिए रहता है तो गाइज मेरे को कमेंट सेक्शन में जाने की जगह मेरे को डिस्कॉर्ड पे यार मैसेज कर दिया करो, मैं उधर पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, मतलब बहुत। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद नहीं आती यार तो जा सकते हो यार, अनसब्सक्राइब करें, कोई दिक्कत नहीं, वैसे जाना मत। तो गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर मिथ्स को ट्राई करने के लिए। तो गाइज हमारा पहला मिथ है कि अगर हम वार्डन और विदर के बीच में लफड़ा लगाएंगे तो गाइज अपना विदर हार जाएगा और वार्डन जीत जाएगा। मतलब वार्डन अभी आया है जस्ट, तो गाइज मेरे को नहीं लगता विदर इतना पुराना यार, एंशियंट टाइम का लगा लो उसको, और वो आजकल के नए लोगों से कैसे हार जाएगा यार इतना पुराना लौंडा। तो गाइज आज हम दोनों के बीच में लड़ाई लगाने वाले, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो गाइज पहले हम ले लेते हैं विदर का हेड, सॉरी वार्डन का स्पॉन एग, पहले वार्डन का स्पॉन एग ले लेते हैं क्योंकि विदर समन करना पड़ता है। तो अभी हम सोल सैंड ले लेते हैं गाइस, सोल सैंड इधर मिल जाता है। तो गाइस हमने सोल सैंड ले लिया है, अभी हम ले लेते हैं विदर हेड। हाँ उसके बिना समन ही नहीं होगा यार, क्या बात कर रहे हो। तो गाइस विदर हेड ले लेते हैं। तो गाइस पहले हम समन करेंगे अपने विदर को क्योंकि उसको चार्ज होना है, उसके बाद उसको फटना है। तो गाइस अपना वार्डन तो एक ही बार में समन हो जाता है। मेरे को नहीं लगता वार्डन जीत जाएगा क्योंकि वार्डन के पास 200 हार्ट रहते हैं और विदर के पास पता नहीं मेरे को कितने हार्ट रहते हैं। तो गाइस विदर अपना समन हो चुका है और वार्डन को हमने कर दिया है समन। और गाइस ये शायद लड़ाई शुरू हो गई, आई थिंक सो। तो गाइस लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। विदर ने वार्डन को मारना चालू कर दिया, इसको कूटना चालू कर दिया, अच्छे से एकदम फुल चटनी बनाई गया है। तो गाइस आज विदर अपने घर पर वार्डन की चटनी खाएगा और ये सोनिक बीम मारते हुए वार्डन अपने आए। और गाइस ये ऊपर से विदर हेड ही विदर हेड, लेकिन सोनिक बीम का थोड़ा सा डैमेज और विदर की थोड़ी सी हेल्थ गई, मगर गाइस वार्डन भी फुल अपने जोश में वो सोनिक बीम मार रहा है। मेरे को नहीं लगता वार्डन जीत पाएगा गाइस क्योंकि धमाके इतने गंदे हो रहे कि वार्डन यार पता ही नहीं चल रहा यार वार्डन गया यार वार्डन नूब। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। गाइस वार्डन भड़क गया एकदम, वार्डन फुल अब गुस्से में आ गया। गाइस विदर को कूट दिया थोड़ा सा, तो गाइस थोड़ी सी हेल्थ गई है विदर की यार, विदर जीतेगा मेरे को जितना लगता है। गाइस विदर जीतेगा और मिथ के हिसाब से भी विदर जीतना चाहिए, लेकिन गाइस वार्डन कूट रहा है इसको बहुत गंदा। मतलब अगर ये नीचे आ गया तो विदर तो गया यार, क्योंकि वार्डन बहुत गंदा मारता, हाथ से बहुत गंदा मारता, लेकिन विदर जो मार रहा है इसको, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, नहीं गया विदर गया नो यार। अरे गाइस जस्ट बचा यार, आधी हेल्थ काली, मैं बोल रहा था अगर गलती से हाथ पड़ा वार्डन का, गया विदर। तो गाइस ऑलमोस्ट आधा हेल्थ ले गया विदर का वार्डन। तो गाइस अभी हम पास चलते हैं, देखो गाइस बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, बहुत तगड़ी यार कसम से। विदर जो इसको कूट रहा है और ये जो विदर को कूट रहा है वार्डन, गाइस मजा आ रहा है देख के। ये सोनिक भी मारने का ट्राई कर रहा है लेकिन विदर फुल डॉच करते हुए और ये धमाके होते हुए, नहीं गाइस विदर नीचे आ गया यार, विदर चार्ज हो गया और नीचे आ गया और विदर स्केलेटन लिए, पर वार्डन इनको 2 सेकंड में खत्म करके जा चुका है आगे। तो गाइस विदर आ चुका है नीचे, अब विदर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि गाइस वार्डन देखो उसको हाथ मार रहा है, गाइस वो फंस और गया है वार्डन, सॉरी विदर। तो गाइस अभी विदर का बचना इम्पॉसिबल है, आई थिंक सो गाइस इम्पॉसिबल है क्योंकि नीचे आ गया वार्डन, हाथ से इसका बहुत गंदा मारेगा गाइस, बहुत गंदा मारेगा इसको। रामी मानुस दो दिल में पलट गया। तो गाइस फाइनली विदर अपना दम तोड़ चुका है इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो गाइस हमारा मिथ हो जाता है बस्टेड। तो गाइस अभी हम चेक करने वाले हैं वार्डन कितने हिट में मरता अभी भी। तो गाइस हमने नेदरराइट की स्वॉर्ड निकाल ली है, तो गाइस अभी हम चेक करने वाले कितने हिट में। तो गाइस एक दो दो तीन चार पाँच छ सात, गाइस सात हिट,
लगभग क्या पूरे टोटल 7 हिट में अभी भी मारा है। यानी अगर गलती से विदर को इधर ऊपर में माउंटेन पर एक दो हाथ नहीं पड़ते तो गाइज इजीली मार देता विदर वार्डन को। तो गाइज ये मिथ आई थिंक सो प्लेन एरिया में, जहां प्लेन रहेगा गाइज पूरा उधर पर कंफर्म है, लेकिन अभी तो गाइज ये बस्टेड हो चुका है। चलो तो गाइज अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। और गाइज लेकिन आपको ये पता नहीं होगा, ये वार्डन ना मेरे से बहुत डरता है, जो गेमर से गाइज बहुत डरता है, दूरी बना के रखता है, क्योंकि वार्डन को भी मालूम है जब मैं मारता हूँ ना तो किसी ने सीना सोची ना होगी। मेरे को जानता नहीं है ये। चलो गाइज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो गाइज हमारा दूसरा मिथ ये है कि जो ये गांव में, ये देखो आपको मैं भी दिखाता हूँ, तो गाइज ये नहीं, ये भी नहीं, इधर भी नहीं, कहाँ गया, रुको गाइज एक बार मैं ढूंढता हूँ इसको, मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो गाइज हाँ ये रहा। तो गाइज आप इस नमूने को तो जानते ही हो गए, काम धंधा नहीं रहता इन लोग को, बस आ जाते हैं। तो गाइज ये नमूने नेदर के अंदर सो सकते हैं, किसी ने सोची होगी, किसी ने नहीं सोची होगी यार, ये लोग नेदर के अंदर सो सकते हैं, क्योंकि नेदर के अंदर कोई भी सोता तो फट जाता है। मेरे को लगता है नहीं है ये सो पाएगा, ये ऐसे वैसे ही रहते नमूने गाइज ये, और थोड़ा बहुत ब्लास्ट कर देंगे उधर पे। चलो गाइज हमने नेदर पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन ले लिया और हम नेदर पोर्टल बना रहे हैं, पर गाइज अच्छे से बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। गाइज आई थिंक सो मैं माइनक्राफ्ट बहुत दिन के बाद खेल रहा हूँ, इसलिए गाइज नेदर पोर्टल भी अच्छे से नहीं बन रहा है मेरे से। तो गाइज फाइनली हम लोग ने नेदर पोर्टल बना लिया है, अब इसको करते हैं लाइट अप। चलो गाइज अभी हम चलते हैं नेदर के अंदर, इन सबको रख के चलो नेदर के अंदर। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं नेदर के अंदर। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बायोम अच्छी सी, ये भी अच्छी नहीं है, ये तो गाइज बेस्टियन रेमिनेंट, हाँ नाम पता है मेरे को, हाँ मैं इतना माइनक्राफ्ट जानता हूँ। तो गाइज बेस्टियन रेमिनेंट मिल गया यार, सर्वाइवल सीरीज में क्यों नहीं, क्यों भाई इस वर्ल्ड में क्यों मिल गया, सर्वाइवल सीरीज में यार होना चाहिए था। गाइज मेरे को सर्वाइवल सीरीज में अभी तक बेस्टियन रेमिनेंट नहीं मिला, फोर्ट्रेस वगैरह तो उसमें मिले हुए हैं गाइज, और कोई दिक्कत नहीं है इधर पे, गोल्ड भी दबा के मिलता है यार, इसलिए मेरे को चाहिए था ये। वैसे तो मैं बहुत अमीर हूँ गाइज, खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ अम्बा। गाइज हम लोग अपने उस पे आए हैं, मतलब मिथ्स में आए गाइज, हम अपने पैसों की बात गाइज बाद में करेंगे अपने सर्वाइवल सीरीज के अंदर। तो गाइज अभी हम पहले आप चेक कर लेते हैं इधर पे, पहले हम ले लेते हैं विलेजर स्पॉन एग, नमूनों का स्पॉन एग ले लिया गाइज। इधर पे मैंने ले लिया है वॉब फॉरेस्ट का लकड़ी, जिसलिए मतलब ये जले ना, क्योंकि आसपास बहुत लावा है गाइज। तो गाइज ये पहले हम बना लेते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि वॉब फॉरेस्ट की लकड़ी, क्रिम्सन फॉरेस्ट की लकड़ी गाइज जलती नहीं है उसमें नेदर या फिर मतलब आग वाग से। तो गाइज अभी हम इसलिए इसी से बना रहे हैं, और इधर मैं आपको बेड फोड़ के भी दिखाऊंगा, मतलब बेड फूटता है बोल के इधर। तो गाइज पहले मैं ये बना लेता हूँ। फाइनली गाइज हम लोगों ने बना लिया एक केज टाइप। तो गाइज अभी हम ले लेते हैं बेड, और मैं आपको साइड में ऊपर में फोड़ के दिखाता हूँ, जिसलिए वो फूटे ना। तो गाइज ये देखो, ये फट जाता है इतना जोर से, देखो गाइज मतलब एक प्लेयर इजीली मर जाएगा। तो गाइज ओके नीचे गलती से बेड लग गया, इसको हटाओ नहीं। तो गाइज फाइनली मैं रिपेयर करके आ चुका हूँ। तो गाइज इधर मैंने सेफली बेड लगा रहा हूँ गाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इधर पर वापस ब्लास्ट हो जाए। तो गाइज इधर मैंने 3 नमूने सामान किए, और डे कर मतलब नाइट कर देते हैं हम लोग मिडनाइट। व्हाट, ये कैसे हुआ यार, यार माइनक्राफ्ट चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। तो गाइज ये मिथ हो जाता है कंफर्म्ड। चलो मरो अब तुम, मरो गाइज, अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो गाइज अब हम भी ट्राई करेंगे सोने के लिए, और गाइज मेरे को इस चीज़ में बहुत मज़ा आया। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइज। तो गाइज अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी नेदर से बाहर। तो मैं मिलता हूँ आपको बाहर, मतलब नेदर के बाहर, वैसे बाहर नहीं मिलना मेरे को। चलो तो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं नेदर से बाहर। तो गाइज अभी हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट मिथ को। तो हमारा तीसरा मिथ है, आपको पता है एक सफेद कलर का एक लंबा चौड़ा तगड़ा सा बंदा रहता है इस विलेज के अंदर। हाँ गाइज मैं गोलम की बात कर रहा हूँ। तो गाइज अगर हम गोलम को पानी में डुबो डुबो के मारेंगे तो वो नहीं मरेगा,
मतलब वो डूबेगा नहीं, मतलब वो जैसे हमको सांस रुक जाता है तो उसका सांस नहीं रुकता, यानी मछली हो एक टाइप से यार। तो गाइज ये चेक करना पड़ेगा कि हम गोलम को पहले ट्राई करते हैं अंदर समन करने का। तो गाइज अंदर समन होता है कि नहीं, अगर समन नहीं हुआ तो गाइज हम ऊपर से समन करके ले आएंगे। तो गाइज मैं इधर पे उसको बंद करूंगा क्योंकि यार भाग जाएगा, तो अगर वो भाग गया तो क्या करेंगे। तो गाइज पहले इधर पे हम एक केज बना लेते हैं और इधर पर आयरन गोलम समन करते हैं। पहले विलेजर यार दिखा देता हूँ मैं आपको आयरन गोलम से पहले, कि लोग मरते हैं, ये लोग भी मरते हैं इस टाइप का, मतलब मैं बता रहा था। तो गाइस ट्रेड का दे रहा है ये, क्विक चार्ज, तू मरी जा, तेरा कोई जरूरत भी नहीं, तू भी मर जा, तेरा भी कोई जरूरत नहीं मेरे को, कितना घटिया ट्रेड दे रहे हैं यार। तो गाइस अभी देखना है, 2 मिनट में मरना चालू हो गए गाइस, मरना चालू हो गए ये। तो गाइस मैं इसी की बात कर रहा था कि हम पानी में रहेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन गोलम नहीं मरेगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो गाइस समन करते हैं इसको, अगर ये पानी के अंदर समन हो जाए तो। मेरे को नहीं लगता पानी के अंदर होगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, मेरे को नहीं लगता पानी के अंदर होगा। तो गाइस ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा। तो गाइस चलो अभी हम चलते हैं ऊपर और इसको समन करके पानी के अंदर खींच के लाते हैं। चलो तो गाइस इसको हम कर लेते हैं समन, ऊपर में बस एक हेड लगाना है, मतलब ये पंपकिन लगाना है। और गाइस समन हो चुका है लौंडा। तो गाइस अभी लेते हैं रस्सी और गाइस इसको चलते हैं लेके नीचे। ए हे गोलम, अब तो तू गया, अब तू, तेरे को बचाने कौन आएगा, कौन आएगा तेरे को बचाने यार, हाँ कौन बचाने आएगा, हाँ कहाँ गई तेरी दादागिरी, हाँ दादागिरी झड़ता ना तू। ओ गाइज ये पानी के अंदर भी शांत नहीं बैठ रहा, पानी के अंदर भी बेचारे ड्राउन्स को भी मारा, ये जॉम्बीज के बेचारे का जिंदगी के लगे पड़े गाइज, जॉम्बीज को तो ये छोड़ते ही नहीं है ड्रा, क्या बोलते हैं अपने गोलम। तो गाइज अभी हम इसको छोड़ देते हैं 10-20 घंटे के लिए और मैं आता हूँ थोड़े टाइम में इसको चेक करने के लिए जिंदा मर गया। 2000 years later चलो 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 चलो। तो गाइस मैंने मुर्गी के साथ मुर्गी का लौंडा भी ले लिया है गाइस। अरे कहाँ भाग रहा है छोटू, कहाँ कहाँ कहाँ, तेरे को मैं कुछ नहीं करूँगा, बस किडनैप कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस पहले मुर्गी को ले लेते हैं, पीछे पीछे आएगा आई थिंक सो। तू क्या कर रहा है, हट हट यहाँ से। तो गाइस अभी हम चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मुर्गी का लौंडा उसके पीछे आ रहा है गाइस, मुर्गी का बच्चा उसके पीछे। चलो इसको भी दबोच लेते हैं, आ जा आ जा हाथ में आ जा। अरे कहाँ भाग रहा है छोटू, ए मर जाएगा डूब के, और वो मैं करवाऊंगा आराम से। तो गाइज ये हाथ में नहीं आ रहा है, ओ, ओ आ गया गाइज। चलो अभी इनको लेके चलते हैं हम नीचे, ये नीचे ही नहीं आ रहे गाइज, नीचे नहीं आ रहे। ओके आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, फाइनली आ गए गाइज। मैंने इनको बांध दिया है और गोलम को भी बांध देते हैं इन्हीं के साथ, नहीं इनके साथ नहीं बंधेगा वरना वो टूट जाएगा। तो गाइज इसके लिए अलग से। तो गाइज अभी हम देखते हैं, गोलम तो अभी तक जिंदा है और अभी हम कर लेते हैं डे। तो गाइज मुर्गी मुर्गी चली गई गाइज इस दुनिया को छोड़कर, पर ये मरता ही नहीं यार। तो गाइज ये मिथ हो जाता है कन्फर्म्ड। तो गाइज अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ और गोलम को गाइज बता दो ये मेरे से पंगा वंगा ना ले, मरना तेरे को डर नहीं लगता। तो गाइज हमारा अगला मिथ है कि हम एक बहुत बड़ी जॉइंट स्लाइम माइनक्राफ्ट के अंदर समन कर सकते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि पॉकेट एडिशन के अंदर ये समन होगा, मेरे को पता नहीं, लिटरली मेरे को नहीं पता है गाइज, और मेरे को कमांड भी इतना प्रॉपर पता नहीं है। तो गाइज स्लैश समन, उसके बाद लिखना है स्लाइम और उसके आगे डालना है गाइज ये जो ऐसे रहता है ना टेढ़ा सा, हाँ गाइज ये 3 बार डालना है। उसके बाद हमको लिखना है ब्रैकेट, उसके बाद लिखना है गाइज साइज, उसके बाद लिखना है 100, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और समन। अरे यार, तो गाइज अभी हम ट्राई करते हैं एक और बार, इस बार स्पेस छोड़ के लिखेंगे यार, स्पेस छोड़ के आई थिंक सो होगा गाइज। मैं देख रहा था मतलब स्लाइम समन हुई कि नहीं, तो गाइज वो कमांड रॉन्ग था गाइज, मैं फ़ोन को अभी रिस्क में डाल रहा हूँ, मतलब अगर वो गलती से समन भी हो गई तो मेरा गेम क्रैश होगा या मेरा फ़ोन क्रैश होगा या फिर फ़ोन उड़ी जाएगा, फटी जाएगा। तो गाइज मैंने बहुत सारी कमांड डाली पर गाइज नहीं हुआ, वो सिर्फ आई थिंक सो जावा के लिए है। अगर आपको पॉकेट के लिए कोई कमांड पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। चलो तो हम चलते अभी नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट मिथ है जो ये ब्लेज होते हैं, ये बेली डांसर्स हम वही बुला सकते हैं गाइज, ये डांसर्स को गाइज अगर हम स्नोबॉल से मारेंगे भगा भगा कर तो गाइज ये स्नोबॉल से जल्दी मरते हैं, ऐसा मिथ है। और हम ट्राई करने वाले स्नोबॉल और अपनी नेदरराइट स्वॉर्ड गाइज एज यूजुअल, जिससे हम सबको मारते हैं, सबका कुत्ता मारते हैं एकदम मस्त वाला। बस एक और दो
और तीन, तो गाइस तीन हिट में मर गया। तो गाइस अभी चेक करते हैं, एक दो, गाइस दो में भी मर रहा है, मतलब दो क्रिटिकल से इजीली मर जा रहा है। अब चेक करते हैं स्नोबॉल से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, तो गाइस सत्रह से मर रहा है आई थिंक सो। फिर से चेक करते हैं गाइस, एक दो सॉरी दो तीन चार सॉरी तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सॉरी नौ दस, गाइस दस में मारा है। ये भी मैं कंफ्यूज हूँ, इससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, पर होना पड़ेगा। तो गाइस ये मिथ बस्टेड है, कोई काम का मिथ नहीं है। गाइस मैं शीप को नहीं मार पा रहा जिसको मैं नदर हेड शॉट से एक हिट में मार जाता हूँ, तो गाइस मेरे को मिथ फालतू लगा। तो गाइस आप भी ट्राई मत करिएगा, तो क्योंकि गाइस आप मर जाओगे अपने सर्वाइवल सीरीज के अंदर। गाइस आपने पीछे देखा, एक पिंक कलर की शीप थी यार, ये वर्ल्ड बहुत रेयर है यार, रैंडम स्पॉन था। तो गाइस हमारा नेक्स्ट मिथ है कि अगर हम अंडा लेते हैं टर्टल का और जॉम्बी पिगलिन लेते हैं और लेते हैं जॉम्बी वगैरह, तो गाइस वो लोग अंडे पे चढ़ चढ़ के अंडे को तोड़ देते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है यार, मैं भी चेक करता हूँ, मैं भी दुश्मनी निकलवाऊंगा इनसे, क्या दुश्मनी है इनको इनके अंडों से, लेट्स सी यार। तो गाइस हमने सारे अंडे ले लिए हैं, तो अंडे हम डालना चालू करते हैं। गाइस इनमें से वैसे टर्टल निकलते कब है गाइस, मेरे को एक बार बताना कि इसमें कितने टाइम में टर्टल निकल जाते हैं, फिर मैं भी अपनी सर्वाइवल सीरीज में टर्टल्स पालूंगा। हाँ गाइस मैं भी ट्राई करूंगा पालने का, अगर मिल गए तो। मैं वैसे जरूरत क्या उनसे, कुछ होता तो है नहीं, बस वो आलसी से चलते भी इतने धीरे, कोई काम के नहीं है, नहीं पालूंगा मैं। तो गाइस लेट्स सी, ओके टूटता है कूदने से, गाइस ये टूटता है। तो गाइस अभी हम चेक करते हैं, पहले हम डाल देते भर भर कर। तो गाइस अभी हम समन करते हैं जॉम्बी पिगलिन। अरे अरे क्या दुश्मनी निकाल रहा है यार, जॉम्बी भी, गाइस जॉम्बी भी यार, दोनों दोनों दोनों। चलो गाइस इधर हम लगाते हैं इनकी फौज, पहले देख लेते हैं यार क्यों तोड़ रहे हैं यार। तो गाइस बच्चे को देखते हैं, बच्चे, अरे गाइस बच्चा भी यार, बच्चे बच्चे को भी ये सिखाते हो तुम लोग, हाँ जॉम्बी पिगलिन ये सिखाते हो तुम अपने बच्चे को कि दूसरों के अंडे तोड़ता है, हाँ। तो गाइस ये मिथ हो जाता है कन्फर्म्ड। तो गाइस हम अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट मिथ पे। गाइस क्या आप नेक्स्ट मिथ के लिए वेट कर रहे हो, अरे यार गाइस तो नेक्स्ट वीडियो देखना। तो गाइस आज की वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, इतने अमेजिंग अमेजिंग मिथ्स बताता है आपका भाई। तो गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो गाइस अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो गाइस लाइक करके जाना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, तो अगर आप लाइक करते हो तो गाइस। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, आप सजेस्ट करो सर्वाइवल डालू या फिर वन ब्लॉक डालू या फिर अगेन मिथ्स की वीडियो डालू, क्योंकि पिछली वीडियो भी मिथ्स की थी, तो इस बार भी मिथ्स की डालू या फिर किसी और चीज की डालू। तो गाइस जिस पे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उसी चीज की नेक्स्ट वीडियो आएगी, वैसे सर्वाइवल पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर, तो गाइस मैं चलता हूं बाय। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो तो गाइस मैं चलता हूं, वेट 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 गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जाना।